10.5 प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन। दैनिक जीवन में आपने अपवर्तन की कई घटनाओं को देखा होगा। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी बर्तन की तली उठी हुई दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल प्रयोग करें तो क्या बर्तन की तली उतनी ही उठी हुई प्रतीत होगी? पानी से भरे ग्लास में पेंसिल या चम्मच डालकर देखें, वस्तु मुड़ी हुई नजर आती है। इसके पीछे की अवधारणा हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप दो, एक मेज पर एक कटोरी रखिए। कटोरी के तल में एक सिक्का रखें। अपने दोस्त को कहिए कि मेज के पास खड़े होकर कटोरी को देखे। अब उस विद्यार्थी को मेज से धीरे धीरे दूर हटने को कहें ताकि सिक्का दिखाई देना बंद हो जाए। उस जगह पर उसे खड़े होने को कहें। अब आप कटोरी में सिक्के को बिना हटाए उसमें पानी डालते जाएं। क्या आपका दोस्त जहां खड़ा है वहां से उसे अब सिक्का दिखने लगा है? यह कैसे संभव हुआ? पानी में हो रहे प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सिक्के का यही आभासी प्रतिबिंब आपके दोस्त को दिखाई देता है। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में जब गमन करती है तब सरल रेखा में चलती है, पर क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है? प्रकाश के सरल रेखीय पथ का दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके मार्ग की दिशा बदल जाती है। अर्थात जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण का दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर चाल बदलना और सरल रेखा से मुड़ जाना ही अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण यदि समतल सतह पर अभिलंबवत प्रवेश कर रही हो तो उसकी दिशा में अपवर्तन पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम व सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनका अर्थ प्रकाशिक घनत्व से है। प्रकाशिक घनत्व द्रव्यमान घनत्व से अलग होता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर बने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि अपवर्तित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अभिलंब की ओर मुड़ेगी या उससे दूर? चित्र को देखकर बताएं और उसके पीछे के कारण पर चर्चा करें। आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण, कोण आई, व अपवर्तित किरण के द्वारा लंब से बने कोण को अपवर्तन कोण, कोण आर कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय प्रकाश किरण द्वारा बने कोण आई व कोण आर में से कौन सा कोण बड़ा होगा? चित्र 12 ब। चित्र 12 अ माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में अधिक सघन है, तो माध्यम बी में प्रकाश की चाल v2 माध्यम ए में प्रकाश की चाल v1 से अधिक होगी।